जब ये फिल्म के लिए डील होने लगी तो वो सब डाउट्स थे कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर लेंगे कि नहीं करेंगे। आपने मेरे ऊपर इत्मार किया कि आप छोटे प्रोजेक्ट मैंने किए हुए थे आपके इंदौर साहब। हाजी फारूक भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल है? हाजी साहब, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि जब फिल्म बनती है जी, तो उसके पीछे कितने लोग होते हैं, सौ की तादाद में लोग होते हैं, और उनका रोल कितना अहम होता है। तो ये बस मेरी तरफ से एक शुक्रिया समझ लीजिए, और दूसरा लोगों को इस बात का एक तारुफ करवाना कि कितने सारे लोग मिलके जब मेहनत करते हैं तो ये काम। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई साहब, ये फिल्म पॉसिबल ही ना होती अगर हमें वक्त पे खाने ना मिलते, हमें चाय ना मिलती, हमें पानी ना मिलता। शुक्रिया के अलावा ये बताइए, आप कब से कर रहे हैं केटरिंग का काम, और फिल्म और टीवी के लिए केटरिंग का काम? वैसे तो मैंने ये 2005 में किया था शुरू, जब ये हुआ था इसका जियो का वो हम सब मी से एंट्री हुई थी। ठीक है। इसमें फिर इस तरह चलता चलता दुनिया जब लॉन्च हुआ, जब उसका पहला सीरियल मैंने किया था मिस दुनिया, तो उसके बाद आपसे अल्लाह पाक ने मिलाया मुझे 2014 में। अब तो हमारे साथ को भी 8 साल होने वाले माशाल्लाह। तो वो अल्लाह पाक ने एक ऐसा रिश्ता बनाना था आपके साथ कि मतलब ये प्रोजेक्ट पे भी बात करते हैं, लेकिन मैं आप वो बताना चाह रहा हूँ कि आपने मुझसे मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस किया कि छोटे सीरियल मैंने आपसे किए थे आपके साथ, जब ये फिल्म के लिए डील होने लगी तो वो सब डाउट्स थे कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर लेंगे कि नहीं करेंगे। आपने मेरे ऊपर इत्मार किया कि आप छोटे प्रोजेक्ट मैंने किए हुए थे आपके इंदौर साहब। छोटा बड़ा तो देखिए एक तो काम नहीं होता, लेकिन हाँ इसकी स्केल वो थी जिससे हम भी डरे हुए थे। जी जी हाँ। लेकिन जो एतमाद होता है वो किसी एक्सपीरियंस की बेस पे होता है। हमारा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है आपके साथ। तो मुझे ये बताएं कि आमतौर पर तो काम बड़ा औखा है, राइट? मतलब कोई ना टाइम का बीच में होता है, कभी पता चलता है जी आज पूरी नाइट की शूट है, अब पता चलता है आज सुबह डे की शूट है, और डे भी कब शुरू होना है, सुबह 3 बजे शुरू होना है, और आपकी ड्यूटी तो उससे और पहले शुरू होती है। हमारी ड्यूटी 12:30 शुरू हो जाती है, 3 बजे शूट लोगों को भेजना होता है, और अब कितना 150 बंदे को नाश्ता कराना है, और लाइव नाश्ता कराना है, और लाइव नाश्ता कराना, गर्म भी होना चाहिए, ठंडा भी नहीं खा सकते, सबका ख्याल भी रखना है कि इसको ये पसंद है, इसको ऑमलेट पसंद है, इसको फ्राई पसंद है, सबका वो ख्याल रखना। उस टाइम ऐसा होता था कि ये किसी के नाराज में मोड़ नहीं ले सकते थे हम, क्योंकि हर बंदा अहम है, उसका उसका मूड अहम है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो किसी का भी मूड ऑफ हो जाता है, मुझे लगता है कि कोने से ना वो गंदी एनर्जी पे फैलती है और सबका काम खराब करती है। ऐसे हाँ। तो हाज साहब, आपकी जिंदगी का सबसे टफ प्रोजेक्ट मैं कहूँ कमली? हाँ बिल्कुल, मेरे लिए दो लिहाज से बहुत टफ था। एक तो प्रोफेशनल ये था कि मैंने डील की हुई थी, मुझे प्रोजेक्ट करना है। ठीक है। दूसरा आपका एतमाद जो था ना, वो मुझे लेके बैठ रहा था कि यार उन्होंने इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, मेरे तरफ से कोई हैंगी फेंगी या कोई इस तरह क्यों ना हो जाए कि आपका मूड खराब हो, या वो एक होता है ना कॉन्फिडेंस शेल हो जाए कि यार नहीं गलत फैसला कर लिया हमने। तो लिहाज से मैं बड़ा इसमें लीड कर रहा था टीम को, और टीम लड़कों का अगर 3 घंटे के सोने का टाइम मिलता तो मुझे 1.5 मिलता था। कुछ दिन ऐसे थे मतलब आप लोगों का तो ड्यूटी बहुत टीम पे हमने नाश्ता करवाना होता था, तो मैं 12 बजे सोए, बेशक 11 बजे हम 12 बजे मैंने उठना है, और सबको अपने टीम 7-8 लड़के जो थे हर एक को उठाने के लिए उसके मूड के मुताबिक उठाना होता था, ये खराब ना हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए। इवन याद था कि कभी किसी को ये होता था कि यार मुझे दर्द हो रहा है अपना, तो मुझे पता होता था कि नींद की वजह से ये कर रहा है, तो फिर उसको उसी हिसाब से उसको ट्रीट करके उठाना, यार तो ये थोड़ा सा 1 घंटा करा ले मेरे साथ, तू आगे सो जाए, जब 1 घंटा जागने का फिर सोता तो नहीं था वो, उसको पता होता था। तो इस तरह लेके प्रोजेक्ट हम चले, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम लाहौर से गई हमारी, आप लेके गए सब बॉयज, हमारे पकाने वाले, सर्व करने वाले, उस सारे को संभालने वाले, और ऊपर से मुझे ये पता है कि कवल का वो कि अब सारा ये समेट के लाहौर वापस भी भिजवाना है, जो पैकेजिंग है, जो थैलियां हैं, जो डब्बे हैं, सब कुछ। अच्छा, सबसे टफ दिन कौन सा था?
अच्छा मेरे पहला दिन ही था, पहला दिन था, पहला दिन था, पहले दिन में तो हालांकि हम हमवार जमीन पे थे, अभी तो पहाड़ियों में उतरना शुरू नहीं किया था, तीन चार होटल में तो थे ना वो, तो ठीक है। जब आप चले गए थे लोकेशन पे, पहले दिन शूट था, तो मुझे खाना निकालने से को आधा घंटा पहले पैगाम मिला कि मैंने लेके जाना है खाना। वैसे ये होता कि लड़के लेके जाते थे, पीछे बैकअप पे उसको तैयार करता था, लेकिन पैगाम मिला कि आपने कहा कि मैं साथ हूँ पहले दिन, तो गया। मैंने ये था कि पीछे से रुकना जाए काम, क्योंकि अभी उस तरह नहीं आया था रनिंग में, तो खैर मैं चला गया। तो जब वहां पे पहुंचा तो मेरे यार इतना टफ है वो, आप वो नदी के ऊपर बैठे हुए पहाड़ों के ऊपर, वहां पे जाते ही मैंने बूफे शूफे लगाए और सब हैरान हो जाएगा कि इस जगह पे बूफे लग रहे हैं। तो वो सारा आप ही का था, मतलब हमें इस तरह लेके चलना। ये गवाए ना अब्बा हमेशा कहते होते हैं, वो कहते हैं कि बाकी जगहों पे पैसे ना आप कभी किसी एक्टर को आप कहते हैं कि यार ये इतने पैसे कम कर दो या किसी और से, लेकिन पूरे दिन का जो सारा क्रू है, मतलब बंदा को कहते हैं रोटी के लिए तो काम करता है, तो रोटी पानी चाय जो है ना, ये इसके ऊपर कंजूसी और इसके ऊपर कोई डंडी नहीं माननी चाहिए। मतलब लोग अगर राजी रहते हैं ना, मतलब वो काम भी खुशी खुशी करते हैं, और आपने ऐसा राजी रखा है सबको, यकीन करिए सारा क्रेडिट आपको जाता है। ये नहीं कि बाबा आपके साथ बैठा हूं तो इसलिए ये कर रहा हूं, मैंने तो एक दफा की वजह है कि जब आपने हमें इतना कॉन्फिडेंट वहां पे रखा, होटल में रखा, हमारे हर एनवायरमेंट का ख्याल रखा, तो दिल से ये होता था कि यार ये काम करना है। हम हर सहूलत हमें मिली हुई थी, लड़कों को उनको सोने के लिए अच्छा था सारा सिलसिला, खाने पीने की कमी नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप करते हैं ना, क्रू के कुछ जा रही ट्रे में खाना है तो आप वहीं से उठा कर अपने लिए, ये नहीं होता कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है उसके लिए कुछ स्पेशल है। तो ये जो आप इस तरह होता था ना, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि नहीं यार ये सबके साथ एक ही जैसे ही, उनका अपना उनका खाना वही है जो जो खा रहा है स्पॉट बॉय खा रहा है वही आप खा रहे हैं, तो मुझे एक जैसा ही रखना होता था सबके लिए। सब एक जैसा होना भी चाहिए। जी जी हाँ। जब उस इलाके के मतलब हवाले से कोई, मतलब एक अपने शहर में तो पता होता है जी मुर्गी कहाँ से मिल रही है और मसाला कहाँ से मिल रहा है, वो कैसा रहा तजर्बा? वो भी बहुत मुश्किल इसलिए था कि पहले रैकी की नहीं थी, तो आप लोगों ने तो की हुई थी रैकी। हाँ। पे शूट आप लोग जरा करीब करीब ही गए थे शूटिंग के, राइट? बिल्कुल लास्ट डे जब था ना कि शूट के दो दिन पहले होटल में गए, तो वो कुछ इलाका भी ऐसे ही था कि हर चीज वहां से मिलना मुश्किल थी। तो आप आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हर हफ्ते वहाँ लाहौर से एक चक्कर लगता था हमारा सामान यहाँ से जाने के लिए ना, लड़के शिफ्ट करने के बहाने में भेज देता एक लड़का के दूसरा आना है। ये आपको चीजें तो नहीं बता रहा, मैं तो टेंशन आपको पता है मुझे इंग्लिश में कह देता कि यार ये स्थान मुश्किल या चीज मिलनी, तो वो उस पर पैसा जो खर्च हुआ था उसका कोई मसला नहीं था। इज्जत बहुत प्यारी थी उस वक्त, ये नहीं सोचा था कि यार इस पे पैसा मेरा एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, डील मेरी ये अलहमदिल्ला जो डील थी वो बहुत आला थी, उसमें कोई सारा नहीं। अल्लाह पाक ने याद था कि उसके मैंने जो सेविंग की थी उम्र के लिए, मैंने उसको अप्लाई किया था, वो COVID-19 आ गया तो वो मेरा फिर वो कैंसिल हो गया, वरना ये 4 अप्रैल 2020 को फ्लाइट थी। और हमने यही से अल्लाह पाक ने देखा अच्छी नीयत से काम किया तो उसमें सेविंग भी दी अल्लाह पाक ने। तो कहना मतलब ये जो था ना कि चीजें खरीदने के लिए ये बड़ा मुश्किल काम था वहाँ पे, इवन को वहाँ शहरा से हमें खुशाब भी जाके चीजें लानी पड़ी। लेकिन मुझे वो याद है, मतलब जहाँ पे हम अपना सामान उठा के ले जाते हुए जी, मतलब कैमरा क्रू के अलावा किसी ने कोई लाइट का स्टैंड पकड़ा हुआ, किसी ने कुछ पकड़ा हुआ, और कम से कम 50-60 मिनट मतलब पूरा घंटा लग जाता था कभी कभार, आम होते लगता था। और वहाँ पे फिर खाने के वक्त खाना पहुंचाना और गर्म, मुझे नहीं याद कि आपने कभी कंप्लेन की होगी 5-10 मिनट खाना लिया, खाना भी और फिर शाम को पकौड़े समोसे भी और फ्रूट चाट भी आ जाती थी। मतलब ये साथ हमारे ये अभी एक निकाला है उसी वक्त उसी जगह पे बैठे हम अगला काम शुरू कर देते थे, जैसे पकवाई शुरू। जी हाँ, तो लड़के जो मेरे साथ थे वो शुरू में तो हुआ एक हफ्ता उनको ये समस्या, लेकिन फिर वो यूज्ड टू हो गए, मतलब कि ये करना ही करना है हर लिहाज। मुझे आपकी तरफ से कोई मसला नहीं था, मैंने लड़कों को नहीं होने दिया, तो अल्लाह पाक ने ऐसा फिर चेन बनाया कि वो इंशाल्लाह। भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो लोग वो जो हीरोज नजर नहीं आ रहे होते ना काम में, वो कितने अहम होते हैं, और उनमें से एक बहुत अहम हीरो आप हैं इस फिल्म के, और ये सारी कभी भी जो एक इसके साथ यादें हैं वो मेरा ख्याल है उनमें वो खाना पीना और वो प्यार और खलूस जो है ना
उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये उतनी ही आपकी फिल्म है ये जितनी किसी एक्टर की है या मेरी है, राइट? ऑफ द कैमरा भी लड़कों से आता हूँ ना कभी, बात कर रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि देखें, एक अदारा अगर वो कामयाब होता है तो हमारे उससे जुड़े हुए एक चेन है हमारी उनका, तो खुशी होती है कि जैसे इसके हवाले से खबरें आ रही थी कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत कामयाबी दी है, तो बहुत दिल खुश हुआ कि जाहिर सी बात आपको कामयाबी मिलेगी, वो हमारी कामयाबी है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, आपके साथ जुड़े हुए हैं। सलामत रहे हाजी साहब, अल्लाह ताला और आपको इसी तरह मतलब आपकी जो मेहनत और नियत है ना उसका फल देता रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।